तो कॉल उठाया मैंने, और जैसे ही मैंने पॉकेट में फोन रखने के लिए, तब तक दो बाइक से लड़के और छीन कर चले गए। आई थिंक मतलब भुला गया था, मतलब जो भी ले लिया तो वापस दिया नहीं, रात भर फोन ऑन था। हाँ तो देखिए, पुलिस का मोबाइल जब भुला जाता है और पुलिस को जब वापस मिलता है तो कैसा लगता है? तो दो गो लड़का बैग से आया, बैग से आकर उनके हाथ से छीन के चला गया। जब अंता तब हम लोग बोले कि सर एसपी साहब पास जाते हैं। तब एगो भैया हैं सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी साहब, उनको कॉल किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है। सर मेरा दुकान से गाना हम बजा रहे थे मोबाइल से, तो उसी दौरान थोड़ा सा कुछ लाने गए थे बगल की दुकान में, उसी दौरान में चोरी हो गया मोबाइल। 20 मई को तो मेरा फ़ोन गुम हो गया था, ट्यूशन से हम रिटर्न हो रहे थे। तब लौटते वक्त मेरा फ़ोन, मतलब पापा का कॉल आया कि कहाँ हूँ, तो कॉल उठाया मैंने, और जैसे ही मैंने पॉकेट में फ़ोन रखने के लिए, तब तक दो बाइक से लड़के और छीन कर चले गए। तो उसके बाद मैंने कोरा थाना में दर्ज करवाया, तो उन्होंने ऐसा सब बताया कि एप्लीकेशन में ये सब लिख देना है। तो उनके थ्रू हम लोग चले, उसके बाद उनको देने के बाद फिर मेरा मन किया कि क्यों ना एसपी ऑफिस में भी हम लोग एक एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो उस टाइम रामनवमी का टाइम चल रहा था, 20 मई के बाद रामनवमी का वक्त था, तो हमको नहीं लगा था कि सर इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर कुछ भी हो पाएगा। लेकिन फिर आ जाके दो वीक पहले साइबर सेल से फ़ोन आया कि हाँ फ़ोन मिल, मतलब फ़ोन आपको मिल चुका है क्या? बोले नो सर, फ़ोन तो नहीं मिला, अगर कुछ पता चलेगा तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तो बोले कि ठीक है जैसे ही पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो फिर उसके बाद कल ही फ़ोन आया और पता चला कि फ़ोन मिल चुका है, बाकी आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। क्या भरोसा था कि आपको फ़ोन मिलेगा? एक्सपेक्टेशन तो खो चुके थे, लेकिन आज मिलने, एक बार जब दो वीक पहले कॉल आया तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन जागा था कि हाँ मुझे फ़ोन मिल सकता है। तो और आज कैसा लग रहा है, फोन जब आपने एसपी के हाथ से रिसीव किया तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है, उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके हाथों मुझे फोन मिला और उन्होंने इस पर कार्रवाई की कि हाँ सबको फोन मिलना चाहिए जो आजकल ये सब चल रहा है। कैसा भरोसा जगा पुलिस पर आपको? अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इस पे कार्रवाई किया और फ़ोन सबके, मेरे लिए ही नहीं बहुत कोई का फ़ोन, ऐसे आजकल साइबर क्राइम बहुत बड़ा हुआ है और ये चीज़ अच्छा भी नहीं है। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सर से कि ये सब पे थोड़ा कार्रवाई की जाए और ये सब को जितना जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो क्या हुआ था आपके साथ, मोबाइल कब चोरी हुआ था और मिला तो कैसे मिला, ये बताइए पूरी कहानी। 22 अक्टूबर को मोबाइल चोरी हुआ था, आई थिंक मतलब भुला गया था, मतलब जो भी ले लिया तो वापस दिया नहीं, रात भर फोन ऑन था तो दिया ही नहीं वापस, तो बहुत परेशान थे। दूसरा दिन लोसिंगना थाना गए, अब कंप्लेन किया, उसके बाद कल फ़ोन आया इतना दिन के बाद तो कि फ़ोन मिल चुका है, तो बहुत खुशी हुआ, थैंक यू बोलना चाहिए। क्या लगा था मोबाइल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? नहीं, कभी नहीं लगा था, सोचे नहीं थे मिलेगा कभी नहीं। तो अभी कैसे चोरी कैसे हो गया था? गिर गया था, पैकेट से गिर गया था। पैकेट से गिर गया, हाँ। अभी मोबाइल सही कंडीशन पे है? हाँ मोबाइल ठीक है, ठीक ठाक है। मोबाइल एक बार ऊपर कीजिए। तो बताइए आपका कैसे मोबाइल चोरी हुआ, क्या हुआ था? मेरा मोबाइल नहीं था, मेरे दोस्त के मोबाइल थे। क्या हुआ था? वो जब रास्ता में आ रहे थे, रक्षाबंधन का दिन था, 10 अगस्त, 10 अगस्त के दिन हम लोग दोनों मित्र सोचे कि दीदी घर जाते हैं, तब जाने के क्रम में उनको कॉल किए, तो वो जब आ रहे थे तो एटीएम से पैसा निकालना था, तो पैसा निकालने के चलते वो देख रहे थे समय देखते हुए, जब वो मोबाइल पैकेट से निकाले हैं, पैकेट से निकाले तो दो गो लड़का बैग से आया, बैग से आकर और उनके हाथ से छीन के चला गया। जब छीन के चला गया तो हम लोग सोचे कि FIR दर्ज करते हैं गुम का, तो फिर वहाँ गए थाना बड़ा बाज़ार में जब गए तो वहाँ के जो प्रशासन लोग सुन ही नहीं रहे थे कि नहीं ये सब जो मोबाइल गुम होता है उनका कोई केस ही नहीं बनता। तब हम लोग बोले कि सर SP साहब पास जाते हैं, तब एगो भैया हैं सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DSP साहब, उनको कॉल किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है कि मोबाइल हम लोग के हाथ से छीन के, तो फिर वो बताएं कि जाके दो थाना में एप्लीकेशन हम कॉल कर देते हैं, पर भी वो नहीं सुने, यहाँ बड़ा बाज़ार के थाना प्रभारी फिर SP सर पास किए, तो SP सर बोले कि अपने जो निजी थाना है, मतलब सामने करीबी थाना, उसमें जाओ, तो फिर वहाँ जा के देखे, उसके बाद गए दो तीन बार गए तो फिर वहाँ के जो थाना प्रभारी है वो गाली गलौज करने लगे, तो फिर SP साहब पास एप्लीकेशन दिए, SP साहब बोले कि कोई बात नहीं मिल जाएगा, तो फिर वही SP साहब पास भी एप्लीकेशन दिए, उसके बाद दो दिन के बाद फ़ोन आया कि आ जाओ मोबाइल लेने, तो एक सकारात्मक विचार हम लोग के यहाँ से मिला कि पुलिस भी एक
सही कार्य करती है जितना साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं हो रहा था, उसके बाद अभी मोबाइल मिल गया तो कैसा लग रहा है? मोबाइल मिल गया तो लग रहा है कि पुलिस लोग भी एक देशभक्ति का काम करते हैं, देश के प्रति इन लोग सच्चे मन से अपनी जो राष्ट्रीयता है और जो अपनी सेवक की जो क्षमता है जितना भी हो पूरा लगाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। ये मोबाइल जो है अभिषेक जी मेरे दोस्त हैं उनका एक फोन था। हाँ, तो आपका मोबाइल कैसे गुम हुआ था और जब मिल गया तो कैसे मिला ये बताइए। सर, मेरा दुकान से गाना हम बजा रहे थे मोबाइल से, तो उसी दौरान थोड़ा सा कुछ लाने गए थे बगल की दुकान में, उसी दौरान में चोरी हो गया मोबाइल। और उधर से आके बहुत ढूंढे, कंप्लेन फिर किए पिलावल ओपी में, तो फिर 7-8 महीने के बाद मेरा मोबाइल मिला है। ये मोबाइल है मिला है ये मोबाइल। और 7 महीने के बीच में फिर हमने ये मोबाइल ख़रीद लिया था, उम्मीद नहीं था कि मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हजारीबाग पुलिस का कि उन्होंने मेरा मोबाइल ढूंढ के दिया है। तो क्या पुलिस पे भरोसा था कि मिल जाएगा? था, और अब और बढ़ गया है सर। हम तो यही मानते हैं सर कि पुलिस अच्छे लोगों का हिफाजत के लिए है, बुरे लोगों को पकड़ने के लिए है पुलिस। और अच्छा है सर, बहुत खुश हैं हम, मोबाइल मिल गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी और हजारीबाग पुलिस। हाँ, तो देखिए, पुलिस का मोबाइल जब भुला जाता है और पुलिस को जब वापस मिलता है तो कैसा लगता है? आपका मोबाइल मिला, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। तो कैसे चोरी हो गया आपका मोबाइल? मोबाइल चोरी नहीं हो गया था, मोबाइल रास्ता में मेरा गिर गया था। अच्छा, गुम हो गया था, मैंने रास्ता में ही गिर गया था पॉकेट से। जब हम सदर में सनहा कराए दर्ज, और वो सनहा टेक्निकल सेल में आने के बाद MI नंबर के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ, जिसे सदर थाना के द्वारा SP साहब मंगा करके मोबाइल हमको आज सुपुत्र किए। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ हवलदार पीना ठाकुर। क्या, कहाँ पे आप कार्यरत हैं अभी? हम ट्रैफिक थाना में हैं। अच्छा, ट्रैफिक में।